तो चलिए आज हम बहुत ही टेस्टी सूजी का लड्डू बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप सूजी लिया है। सूजी को हम एक बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं। ये 10 रुपए वाली जो मिल्क पाउडर आती है उसे हम ले रहे हैं। अब इसे हम इसमें डाल लेते हैं। इसी सेम कप से हम 1.5 कप मलाई वाली दूध लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने जो दूध लिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। इसी सेम कप से मैंने 1 कप चीनी लिया है। चीनी की मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालते हैं। मैंने लड्डू में डालने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट को लिया है, जिसमें मैंने बादाम, काजू और किशमिश को लिया है। आप अपने मनपसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट को ले सकते हैं। इसे हम डाल लेते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे सेम कढ़ाई में हम फिर से 4 चम्मच घी डालते हैं। हमने मलाई का भी इस्तेमाल किया है, मलाई भी घी छोड़ेगी। तो चलिए अब इसमें हम दूध में भिगोई हुई सूजी को डाल लेते हैं। अब सूजी को हमें ड्राई होने तक भून लेना है। सूजी को भिगोए हुए हमें 10 मिनट का समय हो चुका था। इसे हमें धीमी आंच पे भूनते हुए 8 से 10 मिनट का समय ले लेना है। जब इस लड्डू को आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बड़े छोटे सभी को पसंद आता है। इसमें हमने 2 इलायची को कूट के डाला है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये भुनने लगती है, ये खिली खिली होने लगती है। देखिए सारे दाने हमारे अलग अलग हो गए हैं। इसमें अलग से हमें कोई खोया मावा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने मलाई और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसी से बिल्कुल मावे वाला इसमें स्वाद आएगा। सूजी हमारे अच्छे से भून चुकी है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे हम ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। सूजी हमारी ठंडी हो चुकी है। हमने जो चीनी को पीसा था उसे हम इसमें डाल लेते हैं। साथ में हमने जो ड्राई फ्रूट को तला था वो भी डाल लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हल्का गर्म रहे तभी आप इसे मिक्स कर लें। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसके हम लड्डू बना लेते हैं। बड़ा छोटा जिस साइज में आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस साइज में आप बना लें। आप ऐसे हाथों में गोल गोल इसे घुमाते रहें। देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। सारे लड्डू को हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। हमने लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। सर्दियों में तो लड्डू खाना सभी को पसंद आता है, तो आप खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं।
तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को रामरति रसोई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको याद दिला दूं, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है, तो आप भी बेफिक्र होके हमें जरूर सब्सक्राइब करें।